प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सब लोगों का संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में परमेश्वर के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज की शाम हमें एकजुट किया है ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें, इसलिए हम परमेश्वर का शुक्रिया करते हैं, उनके आभार मानते हैं। तो आइए भाई और बहनों, हम परमेश्वर के समीप जाकर हम उन्हें सब गीतों द्वारा, हमारी प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम उनकी आराधना करें। ये जो चाल है ये कोरोना की है और राह है उद्धार की है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो और उसे अनंत कालिक जीवन प्राप्त हो, इसलिए परमेश्वर मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को पुकार रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं ताकि उसका उद्धार हो, उसे नया जीवन मिले। तो आज यही गीत हम परमेश्वर के सामने, ये गीत हम गाएंगे, एक साथ गाएंगे। जिस स्थान पर आप हैं उस स्थान से गीत आप मेरे साथ गाएं, मेरे साथ द्वारा परमेश्वर का हम आनंद, हम नाम ऊंचा करें। ये गीत है, ए मानव सुन जरा, तुझे यीशु बुला रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम अपनी प्रार्थना के अगले चरण में बढ़ते हुए आज देखेंगे और सुनेंगे परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वे आगे आए और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।
नायक अपनी भेट सोशल मीडिया द्वारे फेसबुक द्वारे देव आमची भेट करून देतो. परमेश्वर हमसे मिलते हैं. ते देवाचा आम्ही धन्यवाद करता हूं. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. अपने सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय आदर की योग्य है. आनंद आहे. आनंद की योग्य है. देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है. आम्ही सर्वांस हम आप सबका देवाचा पुत्र प्रवेश के द्वारे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगत स्वागत करता हूं. हम आपका स्वागत करते हैं. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री मध्य संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में आणि सत्य जीवन मंडळी फेलोशिप मध्ये और सत्य की जीवित मंडळी कलीसिया में आपण सर्वांचं पुन्हा एकवार आम्ही आगत स्वागत करता हूं. आप सबका फिर एक बार से हम स्वागत करते हैं. ज्या आशेने तुम्ही आला आहात जिस उम्मीद से आप आए हैं. देव आमच्या आशांवर भंग करत नाही. परमेश्वर हमारे उम्मीद तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है. ते देवाचा आम्ही धन्यवाद करता हूं. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. चाल करुणाची आहे. चाल करुणा की है. वाट तारणाची आहे. और राह उद्धार की है. मागील दोन आठवडे पिछले दो सप्ताह आम्ही तारणा संबंधी पाहिलं. हमने उद्धार के बारे में देखा. देव तारण कसं करतो. परमेश्वर उद्धार कैसे करते हैं. आम्ही प्रार्थना केली. उसके बारे में हमने प्रार्थना की. देवाने अनेकांना अनुभव दिलेला आहे. परमेश्वर ने अनेक लोगों को अनुभव दिया. पवित्र आत्म्या संबंधी आम्ही पाहिलं. पवित्र आत्मा के बारे में हमने देखा. तारण झाल्यानंतर पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये येऊन वस्ती करतो. उद्धार होने के बाद पवित्र आत्मा हम आके बसता है. तो आम्हाला मदत करतो. वो हमें मदत करता. आम्हाला सहाय्य करतो. वो हमारी सहायता करता. या संबंधी आम्ही मार्गदर्शन घेतलं आहे. इसके बारे में हमने मार्गदर्शन लिया. आज पुनः एक करा. आज फिर एक बार हमें पवित्र आत्मा पाना रहो. हम पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे. पवित्र आत्मा कसो कार्य करतो. पवित्र आत्मा किस तरीके से कार्य करता कसो है. तो मदद करतो. वो किस तरीके से मदद करता कसो है. तो सहाय करतो. किस तरह से सहायता करता कसो है. तो मार्गदर्शन करतो. किस तरह से हमें मार्गदर्शन तो कसो आम्हाला सांभाळतो. वो किस तरह से हमें संभालता है. देवाचा आम्ही धन्यवाद करता हूं. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं. देव आम्हाला मदद करतो. परमेश्वर हमें मदद करते हैं. देव आम्हाला सहाय करतो. परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं. कारण देव आमच्यावर प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करते हैं. काळजी घेतो. वो हमारी देखभाल करते हैं. कोणाचा नाश हो देवाची इच्छा नाहीये. किसी का भी नाश हो ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. सर्वांना सर्वकालिक जीवन प्राप्त हो देवाची इच्छा है. हर एक को अनंतकालिक जीवन प्राप्त मिले ये परमेश्वर की इच्छा है. यासाठी आपला एकुलता एक पुत्र त्याने वधस्तंभी बलिदान दिलं आहे. इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को क्रूस पर उनका बलिदान किया. यासाठी की आम्हाला चांगलं जीवन भेटावं. इसलिए की हमें नया जीवन मिले. आम्ही आनंदित राहावं. हम आनंदित रहे. सार्वकालिक जगाव. हम अनंतकालिक जिए. ये देवाची इच्छा है. ये परमेश्वर की इच्छा है. ये देवाची योजना संकल्प है. ये परमेश्वर की योजना संकल्प है. त्या देवाचा मी धन्यवाद करता. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते. प्रवेश किस म्हणाला आहे. प्रभु यीशु ने कहा. प्रेषित 1:8 प्रमाणे. प्रेरितों का कार्य 1:8 में. पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा. त्यावेळेस तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल. उस वक्त तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा. त्यावेळेस तुम्ही यरुशलेम में. उस वक्त तुम यरूशलेम में. तुम्हें माझी साक्ष द्या. तुम मेरी गवाही दोगे. माझी स्वार्थ सांगा. मेरा सुसमाचार सुनाओ. प्रेषित लोकांना त्यांनी अभिवचन दिलं. प्रेरितों के जो लोग थे परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया. मैं ऐसा करेन. मैं ऐसे करूंगा. त्यावेळेस हम पाहतो. उस वक्त हम देखते हैं. प्रेरित लोग जो थे एका खोलीत बसून प्रार्थना करत होते. वो एक कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे. भयभीत होते. वो डरे हुए थे. अस्वस्थ होते. वो बेचैन थे. निराश होते. वो निराश हो गए थे. त्यावेळेस देवाला प्रार्थना करत होते. उस वक्त उन्होंने परमेश्वर को प्रार्थना की. त्यांना मदतीची गरज होती. उन्हें मदत की जरूरत थी. त्यांना मार्गदर्शनाची गरज होती. उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी. त्यावेळेस ते खोलीत बसून देवाची प्रार्थना करत होते. उस वक्त वो कमरे में बैठकर परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे. त्यांना म्हणाला. प्रभु यीशु ने कहा. यरुशलेम सोडून जाऊ नका. यरुशलेम छोड़कर कहीं मत जाना. ज्यावेळेस पवित्र आत्मा तुम्हाला प्राप्त होईल. जिस वक्त पवित्र आत्मा तुम्हें प्राप्त होगा. त्यावेळेस तुम्हाला सामर्थ्य. उस जब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगा. त्यावेळेस तुम्ही कार्य सुरुवात करा. उस वक्त तुम कार्य के लिए शुरुआत करो. बाइबल मध्ये आम्ही पाहतो. बाइबल में हम देखते हैं. योहान 15:16 मध्ये आम्ही पाहतो. योहान 15:16 में हम देखते हैं. प्रवेश किस म्हणाला आहे. प्रभु यीशु ने कहा. तो स्वर्गात जाताना म्हणाला आहे. वो स्वर्ग लोग जाते वक्त उन्होंने कहा. मी जातो. मैं जाता हूँ. पण तुम्हास मी अनाथ असं सोडणार नाही. लेकिन तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा. मी तुमची काळजी घेईन. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. मी तुमची देखभाल करेन. मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. यासाठी मी कैवारी पाठवल. इसलिए तुम्हें मदद के लिए मैं भेजूंगा. तो तुम्हाला मदत करेल. वो तुम्हें तुम्हारी मदद करेगा. तुम्हाला सहाय्य करेल. तुम्हारी सहायता करेगा. तो तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. समय समय में तुम्हें मार्गदर्शन देगा. तो तुमच्याबद्दल सदैव राहील. वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा. देवाने दिलेलं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर ने दिया हुआ अभिवचन है. देवाला समजतो. परमेश्वर को समझता है. देवाला सर्वोच्चचं ज्ञान आहे. परमेश्वर को हर एक चीज का ज्ञान है. उत्पत्ति 2:7 प्रमाणे. उत्पत्ति 2:7 में लिखा है. मनुष्याच्या नाकपुडात परमेश्वर ने प्राणवायु फुंकला. मनुष्य के जीवन में मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने प्राणवायु. त्यावेळेस मनुष्य जिवंत झाला.
तब वो मनुष्य जीवित हुआ। परमेश्वर एक निर्माण करता उत्पन्न करता देव है, परमेश्वर उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है, बड़ा समस्त उन्हें समझता है। हमारा मदद की गरज है, हमें मदद की जरूरत है, हमारा सहायता की गरज है, हमें सहायता की जरूरत है, हम एक मेकला मदद करते, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, सहायक करते, सहायता करते हैं, हम पूर्ण है, वो अधूरी है, हमें पूर्ण समाधान कर सकत नहीं, हम पूरी तरह से समाधान नहीं दे सकते, पूर्ण मदद कर सकत नहीं, पूरी तरह से मदद नहीं कर सकते, हमारा देव तो सहाय घेरच लागा, हमें परमेश्वर की सहायता लेनी होगी। यासाठी यीशु की मला मी तुम्हाला मदत करण्यासाठी पाठवता है, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा भेजता हूं, सहायाची गरज आहे, हमें सहायता की जरूरत है, देव आमच्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर हम पर प्रेम करते, देवाला आमची काळजी आहे, परमेश्वर को हमारी चिंता है, यासाठी देवाने पवित्र आत्मा पाठवला, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेजा। पेंटिकॉस्ट दिवशी पवित्र आत्म्याचा वर्षाव झाला, पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा का वर्षाव हुआ, त्या दिवसाचा पहिला प्रवास सुरू झाला, उस दिन से पहला प्रयोग शुरू हुआ, देव आमची काळजी घेतो, परमेश्वर हमारी देखभाल करते हैं। प्रेषित लोग, प्रेरितों के लोग, ज्यास पवित्र आत्मा त्यांना प्राप्त झाला, जिस वक्त पवित्र आत्मा उन्हें प्राप्त हुआ, त्यांना धैर्य प्राप्त झालं, उन्हें धीरज मिला, त्यांना हिम्मत प्राप्त झाली, उन्हें हिम्मत आई, त्यांना सामर्थ्य प्राप्त झालं, उन्हें सामर्थ्य आया, ते खोलीतून बाहेर आले, वो अपने कमरे से बाहर आए, ते चौका चौका जाऊन त्यांनी देवाची स्वार्थ सांगितली, उन्हें बाहर निकलकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, त्यांनी देवाची साक्ष सांगितली, परमेश्वर की गवाही सुनाई, ते लोकांना मदत करू लागले, लोगों की मदद करने लगे, लोकांना सहाय्य करू लागले, लोगों की सहायता करने लगे, लोकांसाठी प्रार्थना करू लागले, लोगों को प्रार्थना करते, आजारांना बरे करू लागले, वो बीमारियों से चंगाई प्राप्त करने काढू लागले, वो भूतों को गवाने लगे, दुकाना ताना पर घेऊन जाऊ लागले, लोगों को उद्धार की राह पर ले जाने लगे, ये भयभीत लोग होते, वो डरे हुए लोग थे, ये कंपित लोग होते, वो डरे हुए लोग थे, खोली बंद करून ठेवले लोग होते, ये कमरे में बंद खुद को रखकर वो बंद बैठे थे, पवित्र आत्मा आला, पवित्र आत्मा आया, त्यांना धैर्य आले, हिम्मत आलं, उनमें धीरज आया, हिम्मत आया, त्यांना सामर्थ्य आलं, उनमें सामर्थ्य आया, त्यांनी चौका चौका जाऊन देवाची स्वार्थ सांगितली, उनने चौक चौक में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया, लोकांना त्यांनी देवाचा मार्ग दाखवला, लोगों को उन्होंने परमेश्वर की राह दिखाई, लोकांना त्यांनी मदत केली, लोगों की मदद की, हे देवाचं काम आहे, ये परमेश्वर का काम है, देव आम्हाला मदत करतो, परमेश्वर हमें मदद करतो, देव आम्हाला सहाय्य करतो, परमेश्वर हमारी सहायता करतो, आम्हाला देवाची मदत घेतली पाहिजे, हमें परमेश्वर की मदद लेनी है, देवाचं आम्हाला सहाय्य घेतलं पाहिजे, परमेश्वर की सहायता हमें लेनी है। आज जगाची परिस्थिती फार बिकट आहे, आज संसार की परिस्थिती बहुत बिकट है, भारत देशाची परिस्थिती फार बिकट आहे, भारत देश की परिस्थिती बहुत बिकट है, कोरोना व्याधी सर्व ठिकाणी फैलाव करत आहे, कोरोना बीमारी सभी जगह पे फैल रही है, अनेक ठिकाणी हानि होता है, अनेक स्थान पर लोगों की हानि हो रही है, अनेक जन आजारी है, अनेक लोग बीमार है, अनेक जन घाबरलेले आहे, अनेक लोग डरे हुए, अनेक दुर्बल आहे, अनेक दुर्बल, अनेक अशक्त आहे, अनेक बहुत वीक है, अनेक भयभीत आहे, अनेक लोग डरे हुए, अनेक जन घरात बसलेले आहे, कई सारे लोग घर में बैठे, अनेकांना काळजी आहे, कई सारे लोगों को चिंता है, अनेक जन आपला बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे, कई सारे लोग अपने बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं, देश आमचा प्रयत्न करत आहे, हमारा देश ये कोशिश कर रहा है, सर्व माध्यमातून प्रयत्न चालू आहे, सभी और से कोशिश जारी है, तरी पण मदत अपूर्ण पडत आहे, फिर भी ये कोशिश अधूरी है, हॉस्पिटल मध्ये बेड ची कमतरता आहे, अस्पतालों में बेड्स की कमी है, औषधांची कमतरता है, मेडिसिन की कमी है, ऑक्सीजन की कमतरता है, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टरांची कमतरता है, डॉक्टर्स की कमी है, सर्व गोष्टीची कमतरता भासत आहे, सभी चीजों की कमी महसूस हो रही है, मदतीची आवश्यकता आहे, मदत की जरूरत है, अनेक लोक व्याकुळ आहे, अनेक लोक उत्सुक है, अनेक लोक निराश आहे, अनेक लोक निराश है, अनेक लोक मदतीची अपेक्षा करत आहे, कई सारे लोग मदत की उम्मीद रखे, अनेक लोक दुःखात कष्टात आहे, अनेक लोक दुःख में तकलीफ में, अनेक यातना मध्ये आहे, अनेक लोक बिखरे हुए, अनेक लोग रड़त आए, कई सारे लोग रो रहे हैं, कौन हमारा मदद करन, कौन हमारी मदद करे, कौन हमारा सहायक करन, कौन हमारी सहायता, कौन हमारा उपचार करन, कौन हमारा उपचार करे, कौन हमारे लिए प्रार्थना करे, कौन हमारे लिए प्रार्थना करे, अनेक जनाला मदतीची गरज आहे, अनेक लोगों को मदद की जरूरत है, मनुष्य मनुष्य पासून आज अलग आहे, मनुष्य मनुष्य आज बिछड़ा हुआ है, मनुष्य मनुष्याला मदत करू शकत नाही, एक मनुष्य दुसरे मनुष्य की मदद नहीं कर सकता, आज जगाची परिस्थिती बिकट आहे, ये आज संसार की परिस्थिती बहुत बिकट हो गई है, मनुष्य मनुष्य मदत केली तरी ती अपूर्ण पडत आहे, मनुष्य दुसरे मनुष्य की मदद कर रहा है फिर भी वो अधूरी है, अनेक लोकांची मनुष्य हानि झालेली आहे, अनेक मनुष्य की हानि हुई है, ही दुखाची गोष्ट आहे, ये दुख की बात है, प्रयत्न सर्व बाजूने चालू आहे, कोशिशें सभी ओर से हो रही है, अनेक जन मदत करत आहे, अनेक लोग मदद कर रहे हैं, तरी पण अनेकांना ती पूर्त मदत भेटत नाही, लेकिन फिर भी कईयों को, कई लोगों को ये मदद पूरी नहीं मिल पाती, अनेक गरीब लोग आए, कई सारे गरीब लोग हैं, अनेक आर्थिक परिस्थिति दुबले लोग आए, कई सारे लोग फाइनेंशियली बहुत ही पिछड़े हुए हैं, अशा लोकांना मदत कोण करेल,
ऐसे लोगों की मदद कौन करेगा? सर्व थरा से लोग त्यामध्ये सापडलेले आहे. सभी प्रकार के लोग इसमें उलझे. श्रीमंत है, गरीब है, वो अमीर है, गरीब है, शिकलेले आहे, अनक्षर आहे, पढ़े लिखे है, अनपढ़ है. सर्वांना ही परिस्थिती आलेली आहे. सभी पर ये परिस्थिती आई हुई. सर्वांना मदतीची गरज आहे. सभी को मदद की जरूरत है. देव आम्हाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए तयार है. देव संपूर्ण जगाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर पूरे संसार को मदत करने के लिए तयार. उद्धार करत नाहीत का देवाचा हात तोकडा झाला नाही. उद्धार न करे इतना परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ. ऐकू येत नाहीत देवाचा कान मंद नाही. सुनाई ना दे ऐसे परमेश्वर के कान मंद नहीं हुए. यशे 59 प्रमाणे हम पाहतो. यशे 59 में हम देखते हैं देवाचा हात तोकडा नाही आहे. परमेश्वर का हाथ कम नहीं है. एक इतना इतका देवाचा कान मन नाही आहे. सुनाई ना दे इसलिए परमेश्वर के कान बंद नहीं है. ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात, जिस स्थान पर आप हैं, तुम्ही कुठे असा, आप कहीं भी हो, देव तिथे तुम्हाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर वहां पर आपकी मदद करने के लिए तयार है. सहाय्य करण्यास तयार आहे. परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तयार है. तुमचे उपचार करण्यास तयार आहे. परमेश्वर आपकी उपचार करने के लिए तयार है. देव तुम्हाला वाचवण्यासाठी तयार आहे. परमेश्वर आपको बचाने के लिए तयार है. यस त्यामुळे देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए परमेश्वर की ओर जाना जरूरी है. देवाकडे सहाय्य मागितलं पाहिजे. परमेश्वर की सहायता मांगनी जरूरी. देव आम्हाला पवित्र आत्म्याद्वारे सहाय्य करतो. परमेश्वर पवित्र आत्म्याद्वारे आम्हाला सहायता करतो. आम्हाला मार्गदर्शन करतो. आम्ही मार्गदर्शन करतो. आमची काळजी घेतो. आम्हाला देखभाल करतो. आम्हाला सावधान करतो. आम्ही सावधान करतो. आम्हाला सुरक्षित ठेवतो. आम्ही सुरक्षित रखते हैं. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का कार्य है. आज पवित्र आत्मा जगत काम करता है. आज पवित्र आत्मा पूरे संसार में कार्य कर रहा है. आज तो मदद करता है. आज वो मदद कर रहा है. प्रवेश कैसे लोकांना तो मदद करता है. प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोगों को मदद कर रहा है. हमारा प्रार्थना करने की गरज है. हमें प्रार्थना करने की जरूरत है. हमारा मदद घेने की गरज है. हमें मदद लेने की जरूरत है. हमारा सहायता की गरज है. हमें सहायता की जरूरत है. हमारा देवाकडे गेलंच पाहिजे. हमें परमेश्वर की ओर जाना है. देवाचा धावा केलाच पाहिजे. परमेश्वर को दुहाई देनी है. देव आम्ही कोणी असो, हम चाहे कोई भी हो, देव सर्व सर्क प्रेम करतो. परमेश्वर सब पर एक समान प्रेम करतो. देव तुम्हाला मदत करण्यास तयार आहे. परमेश्वर हम सबको मदद करने के लिए तयार है. त्या देवाचा मी धन्यवाद करतो. उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करतो. प्रभु यीशु किस म्हणाला आहे? प्रभु यीशु ने कहा योहान 16:26 प्रमाणे, योहना 16:26 में, देवाचा आत्मा तुम्हावर येईल. परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा. तो तुम्हाला सत्यात घेऊन जाईल. वो तुम्हें सत्य मिले जाएगा. तो सर्व गोष्टी तुम्हाला शिकवेल. वो सभी चीजें तुम्हें सिखाएगा. सर्व गोष्टीची तुम्हाला आठवण करून देईन. वो सभी चीजें तुम्हें याद करेगा. सर्व गोष्टी तुम्हाला मदत करेन. वो सभी चीजों में तुम्हारी मदद करेगा. तुम्हाला तयार करेल. वो तुम्हें तयार करेगा. तुम्हाला सुरक्षित ठेवेल. तुम्हें सुरक्षित रखेगा. त्या मार्गाने गेलं पाहिजे. जिस मार्ग से तुम्हें जाना है, मार्ग तुम्हाला दाखवा. वो मार्ग तुम्हें दिखाएगा. प्रभु यीशु कृष्ण दिला अभिवचन आहे. ये प्रभु यीशु ने दिया हुआ अभिवचन है. देव कार्य करत आहे. परमेश्वर कार्य कर रहे हैं. पवित्र आत्मा कार्य करत आहे. पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है. पवित्र आत्मा आज आमच्या जीवनामध्ये कार्य करत आहे. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आज कार्य कर रहा है. बाइबल मध्ये पाहतो. बाइबल में देखते हैं लोग अशक्त होते, दुबले होते. लोग बहुत ही अशक्त थे, वो दुबले थे. प्रेषित 4:13 प्रमाणे, प्रेरित कार्य 4:13 में, अनक्षर अज्ञानी होते. वो अनपढ़ थे, अज्ञानी थे. वे परिस्थिति लोग होते. अलग अलग परिस्थिति में लोग थे. देवाने त्यांना मदद केली. परमेश्वर ने उनकी मदद की. देवाने त्यांना सहाय्य केलं. परमेश्वर उनकी सहायता की. देवाने त्यांना तयार केलं. परमेश्वर ने तयार किया. देवाने त्यांना आश्वयित करून टाकलं. परमेश्वर ने आशीषित किया. ते बलवान झाले. वो बलवान हुए. ते सामर्थ्यवान झाले. वो सामर्थ्यवान बनले. ते विजयशाली झाले. वो विजयशाली हुए. हे देवाचं काम आहे. ये परमेश्वर का काम है. आज पवित्र आत्मा देव काम करतो. आज पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर कार्य करता है. पवित्र आत्मा आज काम करता है. पवित्र आत्मा आज कार्य कर रहा है. तो हमारा मदद कर इच्छितो. वो हमें मदद करना चाहता है. बाइबल सांगतो. बाइबल कहता है रोम 8:26 प्रमाणे, रोमियो 8:26 में लिखा है, ज्यावेळेस तुम्ही अशक्त असतात, जिस वक्त आप दुर्बल है, त्यावेळेस तुम्ही देवाला प्रार्थना करता. उस वक्त तुम परमेश्वर को प्रार्थना करते हो. प्रार्थना काय करावी? प्रार्थना क्या करें? प्रार्थना कशी करावी? प्रार्थना किस तरीके से? देवाकडे काय मागितलं पाहिजे? परमेश्वर को क्या मांगे? हे आम्हाला समजत नाही. ये हमें समझ नहीं आता. हे आम्हाला कळत नाही. ये हमें समझ नहीं आता. त्यावेळेस उस वक्त पवित्र आत्मा तुम्हाला मला मदत करतो. पवित्र आत्मा हमें मदद करता. ज्यावेळेस आम्ही अशक्त असतो, जिस वक्त हम दुर्बल है, आम्ही दुर्बल असतो, हम दुर्बल है, आम्ही अस्वस्थ असतो, हम बेचैन है, बेचैन असतो, हम बेचैन रहते हैं, त्यावेळेस पवित्र आत्मा मला मदत करतो. उस वक्त पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है. तो आम्हाला सहाय्य करतो. वो हमारी सहायता करता. देवाजवळ प्रार्थना कशी केली पाहिजे? परमेश्वर को प्रार्थना कैसे की जाए? कोणत्या गोष्टीची मी देवाकडे प्रार्थना केली पाहिजे? किस चीज के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करनी है? तो आम्हाला शिकवतो. वो हमें सिखाता है. ती प्रार्थना देव ऐकतो. और वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं. बाइबल सांगतो. बाइबल कहती है याकूब 4:3 प्रमाणे, याकूब 4:3 में लिखा है, मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा. आम्ही मागतो. हम मांगते हैं. देव आम्हाला देत नाही. लेकिन परमेश्वर हमें देते नहीं. आम्ही अयोग्य प्रकारे मागतो. हम अयोग्य प्रकार से मांगते हैं. चुकीच्या गोष्टी देवाकडे मागतो. हम गलत चीजें परमेश्वर को मांगते. रोम 8:26 प्रमाणे,
रोमियो 8:26 में लिखा देव स्वात्मा हमारा शिकोतो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता देव कड़े क्या मांगितले पाहिजे परमेश्वर के पास क्या मांगे हमें कोणते गोष्टीची गरज आहे हमें किस चीज की जरूरत है हमें कोणते गोष्टीची आवश्यकता है हमें कौन सी चीजों की आवश्यकता है त्यावे देव स्वात्मा शिकोतो उस वक्त परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता हमें पवित्र आत्मा मांगितले पाहिजे हमें पवित्र आत्मा मांगना है सर्वात उत्तम देणगी आहे सबसे उत्तम देणगी है ये सर्वात उत्तम दान है सबसे अच्छा वरदान है ये पवित्र आत्मा देव कड़े मांगितले पाहिजे पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पास मांगना है पवित्र आत्मा से प्रार्थना के लिए पाहिजे हमें पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करनी जो योग्य है जो योग्य है देव आम्हाला शिकवतो परमेश्वर हमें सिखाते देव आम्हाला म्हणाला आहे परमेश्वर ने हमसे कहा है मागा म्हणजे मी तुम्हाला दिले जाईन तुम मांगो मतलब मैं तुम्हें दूंगा तुम्ही विशेष करून मी तुम्हाला पवित्र आत्मा देईन विशेष तौर पर पवित्र आत्मा मैं तुम्हें दूंगा पवित्र आत्मा हमारा मदद करतो पवित्र आत्मा हमें मदद करता हमारा सहायक करतो हमारी सहायता करता बाइबल कसं वाचावा बाइबल किस तरह से पढ़े वो हमारा शिकवतो वो हमें सिखाता प्रार्थना कशी करावी प्रार्थना कैसे की जाए वो हमारा शिकवतो वो हमें सिखाता दान धर्म कसं करावा दान धर्म कैसे किया जाए कोणाला करावा किसे किया जाए देव स्वात्मा हमारा शिकवतो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता उपवास कसे धरावे उपवास कैसे की जाए यशायाह 58 मध्ये आम्ही पाहतो यशायाह 58 में हम देखते हैं उपवास कसे देवाला पसंद असतात किस तरह के उपवास परमेश्वर को पसंद है देव स्वात्मा हमारा शिकवतो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है उपवास देवाला मान्य होती कौन से उपवास परमेश्वर कबूल करता सेवा कशी करायची सेवा कैसे की जाए आम्ही कोणत्या पद्धतीने करायची और किस तरीके से की जाए देव स्वात्मा हमारा शिकवतो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता देव स्वात्मा हमारा सर्व गोष्टी शिकवण्यास तयार आहे परमेश्वर का आत्मा हमें सभी चीजें सिखाने के लिए तैयार है संबंधी वो हमारे बारे में सर्व गोष्टी तो प्रकट करतो सभी चीजें वो प्रकट करते आज हमें प्रार्थना करतो आज हम प्रार्थना करते हैं देवाचा धावा करतो परमेश्वर को दुहाई देते हैं पश्चाताप करतो हम मन फिराव करते हैं देवाकडे क्षमा मागतो परमेश्वर को क्षमा मांगते देव हमसे तारण करतो परमेश्वर हमारा उद्धार करते पवित्र आत्मा हमारा साक्ष देतो पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है देवाने हमसे तारण केले की नाही तो हमारा साक्ष देतो परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है नहीं वो हमें गवाही देता है बाइबल सांगतो बाइबल कहते हैं रोम 8:16 प्रमाणे रोमियो 8:16 में लिखा वो आत्मा आमच्या आत्म्याला साक्षी देतो हमारी आत्मा को गवाही देता है कि तुम्ही देवासी मुले झालेला आहात तुम परमेश्वर के संतान बने हो तो आत्मा वो आत्मा देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा आमच्या आत्म्याला साक्षी देतो हमारी आत्मा को गवाही देता है देवाने तुझ्या पापाची क्षमा केली आहे परमेश्वर ने तुम्हारे पापों की क्षमा की है देवाने तुझे तारण केलेलं आहे परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया देवाने तुझे सार्वकालिक जुनी पुस्तकात तुझी नोंद केलेली आहे परमेश्वर ने तुम्हारा अनंतकालिक पुस्तक में नाम लिखा है गलती 4:6 प्रमाणे गलती 4:6 में लिखा है आबा बाबा म्हणण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे तुम्ही आबा बाबा कहने का अधिकार मिला है आजपासून तू देव पुत्र आहे आज से तुम परमेश्वर के पुत्र हो देव कन्या है परमेश्वर की कन्या हो तुम्हें देव से वारिस हा परमेश्वर के वारिस हो कारण देवाने तुमसे उद्धार केलेला आहे परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया पवित्र आत्मा तुम्हाला खात्री देतो पवित्र आत्मा हमें ये निश्चित रूप में गवाही देता है खात्री संपत्ति है ये गवाही संपत्ति है आत्मा साक्षी तो हमारा अमा आत्मा हमें गवाही देता है कि हमें देवासी मूल्य आओ कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं आमचे जीवन संबंधी हमारे जीवन के बारे में खात्री झाली पाहिजे हमें निश्चित होना जरूरी है तारण झालं की नाही हमारा उद्धार हुआ है देव आमच्यावर आहे की नाही परमेश्वर हमारे साथ है प्रार्थना करतो हम प्रार्थना करते हैं उपवास दान धर्म करतो उपवास करते हैं दान धर्म करते हैं सेवा करतो सेवा करते हैं सर्व गोष्टी देव मान्य करतो की नाही सभी चीजें परमेश्वर कबूल करते हैं या नहीं हे आम्हाला समजलं पाहिजे हे हमें समझना जरूरी है हे आम्हाला कळालं पाहिजे हे हमें समझना जरूरी है पवित्र आत्मा आम्हाला साक्ष देतो हमें गवाही देता है कि देवाला मान्य की नाही कि परमेश्वर को ये कबूल है या नहीं तो आम्हाला खात्री देतो वो हमें निश्चित करता है यासाठी इसलिए पवित्र आत्म्याची आम्हाला गरज आहे पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है आम्हाला मदतीची गरज आहे हमें मदद की जरूरत है आम्हाला सहायाची गरज आहे हमें सहायता की जरूरत है आज बाइबल मध्ये हम पाहतो आज बाइबल में हम देखते हैं वेगवेगळ्या माध्यमातून अलग अलग माध्यम से पवित्र आत्मा काम करता है पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है जुन्या करामध्ये पाहतो पुराण नियम में हम देखते हैं वेगवेगळ्या पद्धतीने देवाने कार्य केले आहे अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने कार्य किया नवीन करार मध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करता है नए नियम में परमेश्वर ने कार्य किया है वेगवेगळ्या पद्धतीने तो काम करता है अलग अलग प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं पवित्र आत्मा वेगवेगळ्या माध्यमातून काम करता है पवित्र आत्मा अलग अलग माध्यम से कार्य कर रहा है जुन्या करामध्ये आम्ही पाहतो पुराण नियम में हम देखते हैं देव आमच्या समोर योजना संकल्प करतो परमेश्वर हमारे बारे में जो योजना संकल्प करतो आम्हाला प्रकट करतो आम्ही प्रकट करते हैं तो आमच्या समोर काय करणार आहे वो हमारे बारे में क्या करने वाले हैं पवित्र आत्मा द्वारा आम्हाला प्रकट करतो पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट करते तो कार्य करतो वो कार्य करते हैं वो तो आपला महिमा करतो और वो अपनी महिमा करते हैं देव आपला गौरव प्रकट करतो परमेश्वर अपना गौरव प्रकट करते हैं बाइबल मध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं दानियलच्या पुस्तकामध्ये आम्ही पाहतो दानियल के किताब में हम देखते हैं नबुकदनेस राजा नबुकदनेस जो राजा है ह्याला स्वप्न पडलं
उसे एक ख्वाब आता है, स्वप्नाचा त्याला अर्थ समजत नव्हता, उस ख्वाब का उसे अर्थ समझ नहीं आया, त्याच्या राज्यामध्ये उसे उसके राज्य में पुष्कळ से ज्ञानी लोक होते, कई सारे ज्ञानी लोग, पुष्कळ से विद्वान लोक होते, कई सारे विद्वान लोग, ज्योतिष होते, भविष्य बताने वाले, भविष्य वक्ते लोक होते, भविष्य बताने वाले लोग थे, त्या सर्वांना राजाचं स्वप्नाचा अर्थ सांगता आला नाही, उन सबको पर राज्य राजा के ख्वाब का अर्थ कहने के लिए वो बता नहीं पाए, त्यावेळेस उस वक्त देवस परमेश्वर की आत्म्याने, परमेश्वर की आत्मा ने दानियेलला त्या गोष्टी प्रकट केल्या, दानियेल को वो चीजें प्रकट की, दानियेल ने नबूजराजाचा स्वप्नाचा अर्थ उलगडा केला, उस राजा का जो ख्वाब था उसका अर्थ उसे प्रकट किया, त्यावेळेस त्याने राजाला समजावून सांगितलं, उस वक्त उसने राजा को समझा के बताया, देव काय करणार आहे, परमेश्वर क्या करने वाले है राज्यात, इस राज्य में, या देशात, इस देश में, देव काय करणार आहे, परमेश्वर क्या करने वाले, दानियेल ने प्रकट केलं, दानियेल ने प्रकट किया, दानियेल ने स्वप्नाचा अर्थ सांगितला, दानियेल ने उसके ख्वाब का अर्थ बताया, त्यावर राजा फार आनंदित झाला, उस पर वो राजा बहुत खुश हुआ, त्यावेळेस तो दानियेलशी बोलू लागला, उस वक्त दानियेल से बात करने लगा, तो म्हणाला, उसने कहा, दानियेला, दानियेल, तू सर्व प्रश्नांचं उत्तर देतो, तुम सभी प्रश्नों के जवाब देते, अनेक समस्या, अनेक कोडी तो उलगडा करतो, अनेक समस्या, अनेक चीजों को तुम उसका खुलासा करते हो, तू मला स्वप्नाचा अर्थ सांगितलेला आहे, तुमने मेरे ख्वाब का अर्थ बताया, मला माहित आहे, मुझे पता है, तुझ्यामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो, तुम्ही परमेश्वर का आत्मा रहता है, देवाचा आत्मा तुला शिकवतो, परमेश्वर का आत्मा तुम्ही सिखाता है, तुला बुद्धी देतो, तो तुला ज्ञान देतो, वो तुम्ही बुद्धी और ज्ञान देता है, तुला सर्व गोष्टी समजावून सांगतो, वो सभी चीजें तुम्ही समझाता है, त्यामुळे मी आनंदित आहे, इसलिए मैं आनंदित हूँ, हाच खरा देव आहे, यही सच्चा परमेश्वर है, पृथ्वीसारखा देव नाही, पूरे संसार में ऐसा परमेश्वर, सर्व प्रश्नांचं उत्तर देवाकडे आहे, सभी प्रश्नों का जवाब परमेश्वर के पास, सर्व समस्या कोडी उलगडणारा देव आहे, सभी चीजें बताने वाले परमेश्वर है, सर्व स्वप्नाचा अर्थ सांगणारा देव आहे, सभी ख्वाबों के अर्थ बताने वाले केवल परमेश्वर है, तो देवाचा आत्मा तुझ्यामध्ये वास करतो, वही परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है, म्हणून त्यांनी दानियेलचं अभिनंदन केलं, इसलिए उसने दानियेल का बहुत अभिनंदन किया, दानियेलला त्यांनी पारितोषिक दिलं, दानियेल को उसने पारितोषिक दिया, कि राजाने ओळखलं, उस राजा ने पहचाना, देवाचा आत्मा याच्यामध्ये काम करतो, परमेश्वर का आत्मा इसमें कार्य करता है, सर्व समस्या प्रश्नाचा उलगडा करता येतो, इसलिए सभी चीजें बता पाता है, आमच्या जीवना संबंधी, हमारे जीवन के बारे में, अनेक प्रश्न है, अनेक प्रश्न है, अनेक समस्या है, अनेक समस्याएं है, अनेक कोडी है, अनेक सवाल है, अनेक अडचणी आहे, अनेक मुश्किलें हैं, अनेक काळी चिंता है, अनेक तकलीफ है, आम्ही निराश असतो, हम निराश होते, आम्ही उदास असतो, हम उदास होते, त्यावेळेस देवाचा आत्मा आम्हाला सहाय्य करतो, उस वक्त परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करतो, देवाचा आत्मा आम्हाला धैर्य देतो, परमेश्वर का आत्मा हमें धीरज देतो, आम्हाला हिम्मत देतो, हमें हिम्मत देता है, आम्हाला सांत्वन देतो, हमारा निवारण करता है, आमच्या प्रश्नाचं तो उत्तर देतो, हमारे प्रश्न का जवाब देता है, आता काय केलं पाहिजे, अभी क्या किया जाए, आता कसं केलं पाहिजे, कैसे किया जाए, तो आम्हाला उत्तर देतो, वो हमें बताता है, देवाचा आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर का आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है, तो आम्हाला आमची सल्ला मसलत करतो, वो हमें बताता है, ज्या मार्गाने आम्ही गेलो पाहिजे, जिस मार्ग से आम्ही जाना, तो आम्हाला मार्ग दाखवतो, मार्ग हमें दिखाता है, तो आमची काळजी घेतो, वो हमारी देखभाल करता है, तो आमचा सांभाळ करतो, हमें संभालता है, आम्हाला सुरक्षित ठेवतो, हमें सुरक्षित रखता है, पवित्र आत्म्याचं काम है, ये पवित्र आत्मा का काम, तो तुम्हा आम्हाला मदत करतो, वो हमारी मदत करता है, बाइबल मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, युसुफच्या काळात आम्ही पाहतो, युसुफ के जमाने में हम देखते हैं, राजाला, राजा को, फारो राजाला, फारो राजा को स्वप्न पडलं, वो उसे ख्वाब आता है, त्या स्वप्नाचा अर्थ त्याला समजत नव्हता, उस ख्वाब का अर्थ उसे समझ नहीं आता, त्या राजाच्या सेवकाने, उस वक्त राजा के सेवक ने युसुफची आठवण करून दिली, युसुफ को याद किया, राजाला त्याने सांगितलं, राजा को उन्होंने बताया, आपल्याकडे एक मनुष्य आहे, हमारे राज्य में एक मनुष्य है, त्याला स्वप्नाचा अर्थ येतो, उसे वो ख्वाब का अर्थ वो बता सकता, तो प्रश्नाचे उत्तर देतो, वो सवालों के जवाब दे सकता, तो भविष्य सांगतो, वो भविष्य बता सकता, कारण त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे, क्योंकि उसमें परमेश्वर का आत्मा है, त्यावेळेस फारो राजाने त्याला बोलावून घेतलं, उस वक्त फारो राजाने उसे बुलाया, फारो राजाने आपले स्वप्न त्याच्या समोर ठेवलं, फारो राजाने अपना ख्वाब उसके सामने रखा, त्यावेळेस युसुफने त्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं, उस वक्त युसुफ ने उस सवाल का जवाब दिया, स्वप्नाचा त्याने अर्थ सला राजाला सांगितला, उस सवाल का अर्थ उसने राजा को बताया, कि देशात, इस देश में 7 वर्ष, 7 साल तक चांगले दिवस असतील, अच्छे दिन रहे, चांगले वर्ष असतील, अच्छा साल रहेगा, 7 वर्षानंतर, 7 सालों बाद दुष्काळ पडेल, अकाल पडेगा, तो 7 वर्ष दुष्काळ असेल, वो 7 सालों के लिए अकाल होगा, देव होणाऱ्या गोष्टी विदित करतो,
परमेश्वर होने वाली बातें विदित करते हैं। देव ने सावधान किया, परमेश्वर ने सावधान किया, देव क्या करना रहा है, परमेश्वर क्या करने वाले, देव की योजना का संकल्प क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, संकल्प देव आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा यूसुफ द्वारा फारो राजाला उत्तर दिलो, फारो को जवाब दिया, हा देश 7 वर्ष दुष्काळ येणार आहे, इस देश में 7 साल तक अकाल आएगा, हमला काळजी घेतली पाहिजे, हमें उसकी चिंता करनी जरूरी है, धान्य सामने कोठार करायला पाहिजे, अनाज को हम जमा करें, अन्न सामग्री हमने साठवली पाहिजे, अनाज को हम जमा करके रखें, येणारा दुष्काळ आमचं पोषण झालं पाहिजे, आने वाले जो अकाल के दिनों में हमारा पोषण होना चाहिए, त्यांनी तयारी सुरू केली, उन्होंने तयारी की शुरुआत की, 7 वर्षानंतर 7 सालों बाद दुष्काळ पडला, अकाल आया, सर्व देशात दुष्काळ पडला, पूरे देश में अकाल पडला, त्यावेळेस उस वक्त फारो राजा ने सर्व लोकांना मदत केली, फारो राजा ने सभी लोगों की मदद, कारण देवाच्या मार्गदर्शनानुसार, क्योंकि परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार त्याने सर्व गोष्टी तयारी केली होती, उसने सभी चीजों की तयारी की, त्यामुळे सर्व लोकांना त्यांना पुरवठा करता आला, इसलिए सभी लोगों को वो सभी चीजें उपलब्ध कर सके, देव देशाची काळजी घेतो, परमेश्वर देश की देखभाल करते, देव राज्याची काळजी घेतो, परमेश्वर राज्य की देखभाल करते, देव जगाची काळजी घेतो, परमेश्वर पूरे संसार की देखभाल करते, देव पवित्र आत्मा आपल्या सेवकांपर्यंत मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा अपने सेवक द्वारा वो मार्गदर्शन देते हैं, यूसुफ द्वारा तेने मार्गदर्शन केलं, यूसुफ द्वारा उन्होंने मार्गदर्शन दिया, देशात दुष्काळ पडला, देश में अकाल पड़ा, तरी मनुष्य की देवाने काळजी घेतली, फिर मनुष्य की परमेश्वर ने देखभाल किया, दुष्काळ काळात उस अकाल के काल में अन्न पाण्याचं पोषण करता आलं, अनाज और पानी का पोषण करना कशामुळे, कैसे हुआ, यूसुफ मध्ये देवाचा आत्मा राहत होता, यूसुफ में परमेश्वर का आत्मा बसा, तो आत्मा तेरा शिकवत होता, वो आत्मा उसे सिखाता था, तो आत्मा तेरा सल्ला मसलत करत होता, वो आत्मा उसे सिखाता था, तो प्रश्न समस्या सोडत असे, वो प्रश्न समस्या छुड़ाता था, त्यावेळी देशाचे त्याने प्रश्न सोडवले, इसलिए देश की समस्या उसने छुड़ाई, त्यावेळी फारो राजा म्हणाला, उस वक्त फारो राजा ने कहा, तुझ्यामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो, तुम में परमेश्वर का आत्मा बसता है, त्यामुळे इस वजह से तुला सर्व गोष्टीचा उलघडा होतो, सभी चीजें तुम बता पाते हो, सर्व प्रश्न समस्या तू सोडू शकतो, सभी प्रश्न समस्या तुम छुड़ाते हो, देव तुला सर्व गोष्टीचं मार्गदर्शन करतो, परमेश्वर सभी चीजों का मार्गदर्शन तुम्हें करतो, मैं देशाचा, इसलिए इस देश का तू पंतप्रधान हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, ये संपूर्ण देश तुझ्या हाती घे, ये पूरा देश तुम हाँ देश संपूर्ण चालो, ये देश तुम चलाओ, ये सर्व राज्य कारभार तू पहा, ये राज्य तुम चलाओ, कारण तुझ्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे, क्योंकि तुम में परमेश्वर का आत्मा आहे, देवाने तुला बुद्धी दिलेली आहे, परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें ज्ञान दिलेलं आहे, तुम्हें ज्ञान दिया है, राज्य कसं चालायचं, राज्य कैसे चला, प्रश्न कसे सोडवायचे, प्रश्न कैसे छुड़ाए, लोकांची कशी काळजी घ्यायची, लोकांची कैसी चिंता कर देखभाल, सर्व गोष्टी सांभाळ कसं करायचं, सभी चीजें कैसे संभाले, देश कसं सुरक्षित राहील, देश किस तरह से सुरक्षित राहील, देवाचा आत्मा तुला सांगत असतो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताता है, तुला शिकवत असतो, वो तुम्हें सिखाता है, हा संपूर्ण देश तू ताब्यात घे, इसलिए ये देश तुम पूरे अपने हाथों में रखो, तू चालो, तुम चलाओ, हे फारो राजाने प्रकट केलं, ये फारू राजा ने कहा, आज देवाचा आत्मा तोच काम करता है, आज परमेश्वर का आत्मा वही कार्य करता है, देवाचा आत्मा लोकांना तयार करतो, परमेश्वर का आत्मा लोगों को तयार करतो, यूसुफ साधा मनुष्य होता, यूसुफ एक मामूली इंसान था, शेतकरीचा मुलगा होता, तो किसान का बेटा था, पण देवाने त्याला पंतप्रधान बनवून ठेवलं, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री, देवाने त्याला तयार केलं, परमेश्वर ने उसे तयार, ती योग्यता ती पात्रता देवाने त्याला तयार केली, योग्यता उसकी परमेश्वर ने बनाई, दाऊद मेंढपाळ होता, दाऊद एक गडरिया था, देवाने त्याला राजा बनवलं, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, देवाने त्याला तयार केलं, परमेश्वर ने उसे तयार, देवाच्या आत्म्याने, परमेश्वर की आत्मा ने त्याला ती बुद्धी ते ज्ञान ते कसं देवाने दिले त्याला, परमेश्वर ने उसे ज्ञान व बुद्धी परमेश्वर ने उसे दी, देवाने त्याला राज्य दिलं, परमेश्वर ने उसे राज्य, राजाचं पद दिलं, राजा का औदा दिया, दाऊद साधा मेंढपाळ होता, दाऊद एक मामूली गडरिया था, देवाच्या आत्म्याने त्याला तयार केलं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उसे तयार किया, तो राजा झाला, वो राजा बना, बाइबल में हम पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, शमशोन हा साधा मनुष्य होता, सैमसन एक मामूली इंसान था, देवाचा आत्मा त्याच्यामध्ये आला, परमेश्वर का आत्मा उसमें आया, त्याला सामर्थ्य प्राप्त झालं, उसे सामर्थ्य प्राप्त हुआ, त्याने कई हजार लोकांना मारलं, उसने कई हजारों लोगों का वध किया, शत्रूंचा त्याने नाश केला, शत्रुओं का उसने नाश किया, देवाचा आत्मा एवढी त्याच्यावर यायचा, परमेश्वर का आत्मा उस पे आता था, त्यावेळेस त्याला सामर्थ्य प्राप्त व्हायचं, उस वक्त उसे सामर्थ्य प्राप्त होता, त्यावेळेस तो शत्रूंचा नाश करून टाकायचा, उस वक्त तो शत्रुओं का नाश करता था, एके दिवशी एक दिन अनेक लोकांनी त्याला बांधून टाकलं, अनेक लोकांनी उसे बांधा, बंदिस्त करून टाकलं, उसे बांध के रखा, त्यावेळेस त्याने देवाचा धावा केला, उस वक्त उसने परमेश्वर को दुहाई दी, आम्ही शास्त्र 15 मध्ये पाहतो, हम शास्त्र 15 में देखते हैं, त्यांनी देवाला हाक मारली, उसने परमेश्वर को पुकारा, पवित्र आत्म्याने त्याच्यामध्ये झडप घातली, परमेश्वर पवित्र आत्म्याने पवित्र आत्मा उसमें अंदर बस गया,
त्याला शक्ती प्राप्त झाली. उसे शक्ती प्राप्त होई. सर्व दोरखंड त्याने तोडून टाकले. सभी जिस चीज से बांधा बांध रखा था उसने तोड़ दी. शत्रु ने उर तेने हल्ला केला. उसने शत्रुओं पर हमला किया. तेंसे तेने नाश केला. उनका नाश किया. ये दुबले लोक होते. वो दुर्बल लोक थे. ये अशक्त लोक होते. वो दुर्बल लोक थे. देवाच्या आत्म्याने ते सामर्थ्यवान झाले. परमेश्वर की आत्मा द्वारा सामर्थ्यवान बने. देवाच्या आत्म्याने लोक सेनापति झाले. परमेश्वर की आत्मा कारण वो सेनापति हो. देवाने यहोशूला सेनापति अधिकारी बनवला. परमेश्वर ने यहोशू को सेनापति का अध्यक्ष बनाया. देवाने सेवक संदेश तैयार के लिए. परमेश्वर ने सेवक संदेश को तैयार किया. राजे तैयार के लिए. राजाओं को तैयार किया. देवाने अनेक लोगों ने माध्यम तैयार के लिए. परमेश्वर ने अनेक अलग अलग माध्यम से लोगों को तैयार किया. प्रेषित लोग तैयार के लिए. प्रेरित लोग बनाए. शिष्य लोग तैयार के लिए. शिष्य लोग बनाए. अनक्षर अज्ञानी लोग होते. वो अनपढ़ लोग थे. दुबले लोग होते. वो दुर्बल थे. दुर्बल लोग सबल झाले. वो दुर्बल लोग प्रबल बने. अशक्त लोग सशक्त झाले. वो जो दुर्बल लोग थे वो लोगों को बचाने लगे. अज्ञानी लोग ज्ञानी झाले. अज्ञानी लोग ज्ञानी बने. देवाने त्यांना सामर्थ्य सर्व गोष्टीचा पुरवठा केला. परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य द्वारा उन्हें सभी चीज पवित्र आत्मा त्यांच्या मध्ये आला. पवित्र आत्मा उन पर आया. ते सबल झाले. वो सबल हुए. ते लोग शिक्षक झाले. वो ज्ञान देने वाले. जगाला शिकू लागले. पूरे संसार को सिखाने लागले. जगाला त्यांनी ज्ञान दिलं. पूरे संसार में उन्होंने ज्ञान दिया. जगाला त्यांनी देवाचा मार्ग दाखवला. पूरे संसार को उन्होंने परमेश्वर का राह जगात त्यांनी स्वार्थ साक्ष सांगितली. परमेश्वर का सुसमाचार उन्होंने पूरे संसार में बताया. कौन होते ये लोग? कौन थे? साधे लोग होते. मामूली लोग थे. सामर्थ्यवान लोग झाले. वो सामर्थ्यवान बने. पवित्र आत्मा त्यांच्या मध्ये काम केलं. पवित्र आत्मा ने उनमें कार्य किया. लोकांचे प्रश्न सोडवणे. लोगों के प्रश्न छुड़ाना. समस्या सोडवणे. समस्याओं को छुड़ाना. अडचणीतून लोकांना बाहेर काढणे. मुश्किलों से लोगों को बाहर निकालना. लोकांना देवाचा मार्ग घेऊन जाणे. लोगों को परमेश्वर के मार्ग पर ले जाणे. आजारांना आरोग्य देणे. बीमारियों को चंगाई देना. बंधनातून लोकांना सोडवणे. बंधनों से लोगों को छुड़ाना. लोकांना वेळी मार्गदर्शन करणे. लोगों को समय से मार्गदर्शन देना. देवाचा आत्माद्वारे ते काम करत होते. परमेश्वर की आत्माद्वारा वो कार्य करते. लोकांना त्यांनी मदत केली. लोगों को उन्होंने मदद की. लोकांचा त्यांनी सांभाळ केला. लोगों को उन्होंने संभाला. नाशीतून लोक ते वाचवले. नाश में से लोगों को बचा. पवित्र आत्म्याचं काम आहे. ये पवित्र आत्मा का कार्य है. पवित्र आत्माचं काम करतो. ये पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है. दुर्बल लोकांना तो सबल करतो. दुर्बल लोगों को सबल बनाता. आम्ही दुर्बल होतो. हम दुर्बल थे. आम्ही अशक्त होतो. हम दुर्बल थे. भयभीत होतो. हम डरे हुए थे. देवाने आम्हाला सामर्थ्य दिलं. लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया. देवाचा मार्गदर्शन आम्हाला झालं. जिस तक परमेश्वर का मार्गदर्शन हमें हुआ. यहोशू तुला देवाचं काम करायचं. तुम्ही परमेश्वर का कार्य करायचं. तुला देवाची सेवा करायची. तुम्ही परमेश्वर की सेवा करायची. लोकांना तुला शिक्षण द्यायचं. लोगों को तुम्हें सिखाना होगा. लोकांसाठी तुला प्रार्थना करायची. लोगों के लिए तुम्हें प्रार्थना करायची. त्यावेळेस मी भयभीत झालो. उस वक्त मैं डर गया था. मैं कंपित झालो. मैं डर गया था. प्रभूला म्हणलं मी प्रभू मला याचा अनुभव नाही आहे. मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मुझे इसका अनुभव नहीं है. हे काम मी कधी केले नाही आहे. मैंने ये कार्य कभी नहीं किया. मी बोलका नाही आहे. मैं बोलने वाला नहीं हूँ. हे काम माझ्याने होणार नाही. ये काम मुझसे नहीं होगा. ये काम मैं कैसे करेल. ये काम मैं कैसे करूंगा. लोग कैसे ऐकतील. लोग कैसे सुनेंगे. लोग कैसे बड़े होतील. लोग कैसे चंगाई प्राप्त होतील. बंधन कैसे तुटतील. बंधन कैसे तोड़े जाएंगे. ये मला समजत नाही. ये मुझे समझ नहीं आता. देवाचा आत्मा आला. परमेश्वर का आत्मा आया. त्याने मला आत्म्याने भरलं. उसने मुझे आत्मा से भर दिया. दानाने भरलं. वरदानों से भर दिया. त्याने मला हिम्मत दिली. धैर्य दिली. उसने मुझे हिम्मत और धीरज दिया. तो म्हणला मी आहे. ते कहा कि मैं हूँ. मी आहे. मैं हूँ. मी तुझ्यावर नेहमी असणार. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा. मी तुझ्यामधून काम करेल. मैं तुम्हारे द्वारा कार्य करूंगा. मैं लोकांना बरे करेन. मैं लोगों को चंगाई दूंगा. मैं लोकांचा उद्धार करेन. मैं लोगों का उद्धार करूंगा. मैं आजारांना आरोग्य देन. मैं लोगों को चंगाई दूंगा. मैं शैतान मनातून लोक मुक्त करेन. शैतान के बंधनों से लोगों को मुक्त करूंगा. मैं काम करेन. मैं कार्य करूंगा. पवित्र आत्मा से मैं काम करेन. पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं ऐसे काम करूंगा. मैं प्रार्थना करू लागलो. मैं प्रार्थना करने लगा. लोकांना शिक्षण देऊ लागलो. लोगों को ज्ञान देने लगा. देव काम करू लागला. परमेश्वर कार्य करू लागला. हजार लोकांना तो बरे करू लागला. बीमार लोगों को चंगाई देने लगे. शैतानी बंधनातील लोकांना तो मुक्त करू लागला. शैतान के बंधनों के लोगों को छुड़ाने लगे. पापी लोकांमध्ये तो परिवर्तन करू लागला. पापियों में परिवर्तन करने लगे. लोकांचा तो उद्धार करू लागला. लोगों का उद्धार करने लगे. लोकांना चांगले जीवन देऊ लागला. तो लोगों को नया जीवन देने लगे. अनेक समस्या प्रश्न लोकांच्या सोडू लागला. अनेक लोगों की समस्या को छुड़ाने लगे. देवाने मला बुद्धी दिली. ज्ञान दिली. परमेश्वर ने मुझे बुद्धि और ज्ञान दिया. सेवा कशी करायची. सेवा कैसे की. लोकांचे प्रश्न समस्या कसे सोडवायची. लोगों की प्रश्न समस्या कैसे छुड़ा. लोकांना देवाच्या मार्गात कसे घेऊन जायचं. लोगों को परमेश्वर की राह पर कैसे ले जाए. लोकांचं तारण कसं प्राप्त करून द्यायचं. लोगों का उद्धार किस तरह से प्राप्त किया जाए. कसे बंधन तोडायचे. कैसे बंधन तोडायचे. कसं लोकांना वाचवायचं. कैसे लोगों को बचाया जाए. देवाने मला शिकवलं. ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया. पवित्र आत्म्याने मला शिकवलं. पवित्र आत्म्याने मुझे सिखाया. 30 वर्ष मी काम करता. आज पिछले 30 सालों से मैं परिषद में 2000 लोक आहे. कलीसिया में 2000 कौन लोक आहे. ये कौन लोक. ये सर्व दुर्बल लोक आहे. ये सब दुर्बल लोक. ये सर्व अशक्त होते. ये सब दुर्बल थे. ये सर्व आजारी होते. ये सब बीमार थे. कैंसर सारखे लोक
आजारों से पीड़ित होते, कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित थे, अनेक जन शैतानी बन्नत होते, अनेक लोग शैतान के बंधन में, 20-20 वर्ष शैतानी बन्नत लोग होते, 20-20 सालों तक वो शैतान के बंधन में, अनेक लोग मानसिक स्थिति बिगड़े लोग होते हैं, अनेक लोगों की मानसिकता बिगड़ी हुई थी, अनेक लोग व्यस्त होते, अनेक लोग नशे के आदि थे, अनेक लोग अनेक नशे में अड़कले होते, अनेक लोग अलग अलग नशा में उलझे हुए थे, अनेक लोग कर्जात होते, अनेक लोग कर्ज में डूबे, अनेक दारिद्र्यात होते, दरिद्रता में थे, अनेक भांडणात होते, झगड़े में उलझे थे, अनेक लोग समस्या में जखड़े लोग होते, समस्या में उलझे हुए थे। देव ने इनके प्रश्न सोड़े, परमेश्वर ने इनके प्रश्न छुड़ा, देव ने बाहर काढ़ परमेश्वर ने इनको इनमें से बाहर, दुर्बल होते, अशक्त होते, जो दुर्बल थे, जो नाकामयाब थे, देव ने देवाचे मार्ग मार्गदर्शन खाने में त्यांना मार्गदर्शन केलं, परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार हमने उसे मार्गदर्शन दिया, त्यांचा विश्वास वाढवला, उनका विश्वास बढ़ा, देवाने त्यांना हिम्मत दिली, धैर्य दिलं, परमेश्वर ने हिम्मत और धैर्य से भर दिया, लोग सबल झाले, दुर्बल लोग सबल हुए, अशक्त लोग सशक्त झाले, अशक्त लोग बलवान हुए, कैंसर सारखे लोक पीढ़ी मध्य देवाने पवित्र आत्म्याने त्यांना भरून टाकलं, कैंसर जैसे पीड़ा से लोग जो उलझे हुए थे, परमेश्वर ने चंगाई थी, शैतान मन्नत लोग होते, शैतान के बंधनों में थे, देव ने शैतान मन्नत लोग मुक्त के लिए, शैतान के बंधनों से परमेश्वर ने मुक्त किया, देव ने तन्ना पवित्र आत्मा ने भरून टाकला, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दिया, व्यस्त तो लोग बाहर कर ले, नशे से लोगों को बाहर, लोग बाहर कर ले, लोगों को देव ने सर्वन आश्वेत कर टाकला, परमेश्वर ने सभी को आशीषित किया, देव ने तन्ना आत्मा ने भरून टाकला, परमेश्वर ने आत्मा से उन्हें भर दिया, देव मल्ला में आत्मा ने मंडे भरून टाके, परमेश्वर ने कहा कि मैं आत्मा द्वारा इस कलीसिया को भर दूंगा, देव ने आत्मा ने भरून टाकला, परमेश्वर ने कलीसिया को भर दिया, दुर्बल लोग सबल झाले, दुर्बल लोग बलवान हुए, अशक्त लोग सशक्त झाले, दुर्बल लोग बलवान बने, सर्व लोग तैयार झाले, सभी लोग तैयार हुए, मैंने तैयार केला, मैंने नहीं तैयार किया, देवाने तैयार केला, ये केवल परमेश्वर ने किया, पवित्र आत्मा ने लोकांना तयार केलं, पवित्र आत्मा ने परमेश्वर को लोकांमध्ये परिवर्तन केलं, लोगों में परिवर्तन किया, लोकांमध्ये त्यांनी सुधारणा केली, लोगों में सुधारणा की, लोकांना त्यांनी अश्वेत करून टाकलं, लोगों को आशीषित किया, हे देवाचं काम आहे, ये परमेश्वर का कार्य है, लोकांना त्यांनी दानाने भरून टाकलं, लोगों को परमेश्वर ने वरदानों से भर दिया, पवित्र आत्म्याच्या दानाने भरून टाकलं, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दिया, जे भांडकर लोक होते, जो झगड़ा करने वाले, जे रागीट लोक होते, जो घुसेल थे, वेगळ्या प्रकारचे लोक होते, अलग अलग प्रकार के लोग, पवित्र आत्म्याने त्यांच्यामध्ये चांगले गुण निर्माण केले, पवित्र आत्म्याने उनमें अच्छे गुण, चांगला स्वभाव त्यांच्यामध्ये देवाने तयार केला, अच्छा स्वभाव परमेश्वर, गलती 5:22 प्रमाणे, गलतियों 5:22 में लिखा, आत्म्याचे फळ लोकांमध्ये देव तयार करतो, आत्मा के फल परमेश्वर उनमें, देव माणसामध्ये गुण तयार करतो, परमेश्वर मनुष्य में गुण तयार करतो, नऊ फळ आहे, जो नऊ फल है, देव लोकांमध्ये फळ तयार करतो, परमेश्वर ये फल लोगों में तयार करतो, चांगले गुण, अच्छे गुण, चांगला स्वभाव, अच्छा स्वभाव, देव माणसामध्ये तयार करतो, ये परमेश्वर लोगों में तयार करतो, मी नाही करू शकत, ये आप और हम नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा काम करतो, पवित्र आत्मा कार्य करतो, पवित्र आत्मा द्वारे फळ तयार होतात, पवित्र आत्मा द्वारे ये फल तयार, पवित्र आत्मा लोकांमध्ये दानाचं वाटप करतो, पवित्र आत्मा वरदानों का बांटता है, पवित्र आत्मा मंडळी तयार करतो, पवित्र आत्मा कलीसिया बनाता है, मंडळी ते सेवक पवित्र आत्मा तयार करतो, कलीसिया के सेवक पवित्र आत्मा बनाता है, विश्वास से लोग तो तयार करतो, विश्वास से भरे लोग बनाता है, पवित्र आत्मा मंडळी मध्ये वर्षाव करतो, पवित्र आत्मा कलीसिया में वर्षाव करता है, हमें अनुभव पातो, हम अनुभव लेते हैं, एक दिवशी एक दिन पवित्र आत्मा ने हमें सांगितलं, पवित्र आत्मा ने हमें बताया, माझी इच्छा की मंडळीला पवित्र आत्मा ने दान द्यावं, मेरी इच्छा है कि कलीसिया को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, त्यांनी मला सांगितलं, पवित्र आत्मा ने मुझे यहोशा यहोशा यहोशू यहोशू माझी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है, मला पवित्र आत्मा से दान मंडळ द्यायचं आहे, तो ये कलीसिया को मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना है, तू मंडळीला पवित्र आत्मा से शिक्षण दे, तुम कलीसिया को पवित्र आत्मा का ज्ञान दो, मंडळीला तयार कर, कलीसिया को तयार कर, मंडळीसाठी प्रार्थना कर, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर, मागा म्हणजे मी तुम्हाला दिले जाईन, मांगो मतलब मैं तुम्हें दूंगा, मंडळीला तयार कर, कलीसिया को तयार करो, मंडळी मागेल, कलीसिया मांगेल, मंडळीसाठी तू माग, कलीसिया के लिए तुम मांगो, मी पवित्र आत्म्याचा वर्षाव करीन, मैं पवित्र आत्मा का वर्षाव करू, देवाने मला शिकवलं, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, माझी इच्छा की मंडळीला पवित्र आत्म्याने भरून टाका, ये मेरी इच्छा है कि कलीसिया को पवित्र आत्मा से भर दे, यासाठी मंडळीसाठी प्रार्थना कर, इसलिए कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, मी अनुभव घेतला, मैंने अनुभव लिया, मी लोकांना शिक्षण दिलं, मैं लोगों को ज्ञान दिया, देवाला प्रार्थना केली, परमेश्वर को प्रार्थना केली, मला अभिवचन दिलं, परमेश्वर आपने मुझे अभिवचन आश्वासन दिला, आश्वासन दिया, पवित्र आत्म्याचा वर्षाव कर, पवित्र आत्मा का वर्षाव करें, देवाने पवित्र आत्म्याचा वर्षाव केला, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का वर्षाव किया, देवाने पवित्र आत्म्याने मंडळ भरून टाकलं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से कलीसिया को भर दिया, सर्व लोग बलवान झाले, सभी लोग बलवान बने, धैर्यवान झाले, धीरज से भर गए, पवित्र आत्म्याने चालू लागले, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने लगे, देवाने सर्व आशीर्वाद करून टाकलं, परमेश्वर ने सब आशीषित, पवित्र आत्मा त्यांना चालवतो,
पवित्र आत्मा द्वारा सब बताते पवित्र आत्मा त्यांना मार्गदर्शन करतो पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देतो चांगलं काय वाईट त्यांना दाखवतो अच्छा क्या है बुरा क्या है योग्य काय आहे त्यांना दाखवतो सही क्या है गलत क्या है वो बताते हैं देवाच्या मार्गात घेऊन जातो परमेश्वर की मार्ग पे ले जर आम्ही चुकलो अगर हमने गलती की आमच्याकडून अपराध झाले हमसे अपराध हुआ पवित्र आत्मा मला सांगतो पवित्र आत्मा हमें पवित्र आत्मा मला पापाची जाणीव करून देतो पवित्र आत्मा पापों का एहसास कराता आमचे पाप आम्हाला तो दाखवतो हमारे पाप हमें दिखाता है आम्हाला पश्चाताप करायला लावतो हमें मन फिराव करने आम्हाला देवाकडे क्षमा आला होतो हमें परमेश्वर के पास क्षमा मांगने के लिए कहता है आम्ही क्षमा मागितली पाहिजे हमें क्षमा मांगनी जरूरी है पवित्र आत्मा आमच्या बळजबरी करत नाही पवित्र आत्मा हमें जोर जबरदस्ती आम्हाला मार्गदर्शन करतो हमें मार्गदर्शन देतो आम्हाला सूचना देतो हमें सूचना देतो आम्हाला सावधान करतो हमें सावधान करतो आम्हाला तयार करतो हमें तयार करता है तो आम्हाला दाखवतो वो हमें दिखाता है आम्ही त्याचं ऐकलं पाहिजे हमें इसकी बात सुननी है त्याप्रमाणे केलं पाहिजे और उसके अनुसार हमें करना है देव आम्हाला अनुभव देतो और परमेश्वर ये अनुभव देते हैं तीस पातो बाइबल में भी हम वही देखते हैं देव पवित्र आत्मा कार्य करता है परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा कार्य करते हैं लोकांना तयार करता है लोगों को तयार कर मंडळा तयार करता है कलीसिया बना रहे हैं मंडळा मध्ये तो कार्य करता है कलीसिया में वो कार्य कर मंडळी मध्ये तो पवित्र आत्माचं वाटप करता है कलीसिया में वो पवित्र आत्मा का वर्षाव कर रहे हैं तो सर्व वर्षाव करता है वो सभी पर वर्षाव कर रहे पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये राहील पवित्र आत्मा तुम्हें रहेगा तो देव म्हणला मी तुमच्या मध्ये सदैव राहीन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा सदैव तुम्हाला मदत करण हमेशा तुम्हारी मदद करूं सदैव तुम्हाला सहाय्य करण हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा सदैव तुम्हाला मार्गदर्शन करण हमेशा तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा मैं तुम्हाला सुरक्षित ठेवेन मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक श्रेष्ठ शिस्तीचा आत्मा है वो एक डिसिप्लिन से भरा आत्मा देवाचा आत्मा परमेश्वर का आत्मा त्याला शिस्त व्यवस्था आवडते उसे डिसिप्लिन और सब अच्छा ही पसंद है तो अव्यवस्थितपणे कधी काम करत नाही वो अव्यवस्था में कार्य नहीं करते स्वच्छता है जो स्वच्छता है शुद्धता है शुद्धता पवित्रता है पवित्रता त्या ठिकाणी तो वस्ती करतो वहां पे वो रहते हैं तो शिस्त एक श्रेष्ठ आणतो वो डिसिप्लिन लाते हैं ज्यास पवित्र आत्मा द्वारा आमच्या कुटुंबाला देवाने भरलं जिस वक्त पवित्र आत्मा ने हमारे परिवार को भर दिया तो आमच्या घरात आला वो हमारे घर में आए प्रवेश किस म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा मला तुमच्या घरी यायचे मुझे तुम्हारे घर में आना है आमच्या घरात तू वस्ती करू लागला वो हमारे घर में आके रहने लगा तो आमच्या घरात राहू लागला वो हमारे घर में आके रहने लगे तो आम्हाला मार्गदर्शन करू लागला वो हमें मार्गदर्शन करने लगे पवित्र आत्मा आमच्यामध्ये शिस्त आणतो हमें डिसिप्लिन लाता है एक व्यवस्था आणतो एक व्यवस्था लाते है ज्यावेळेस प्रभु यीशु आमच्या घरात आला जिस वक्त प्रभु यीशु हमारे घर में आए त्यांनी पवित्र आत्म्याने आम्हाला लोकांना भरलं पवित्र आत्मा से हमारे घर आम्हाला शिकू लागला हमें सिखाने लगे तो आम्हाला मार्गदर्शन करू लागला मार्गदर्शन देने लगे तो आमच्या कुटुंबामध्ये त्यांनी शिस्त एक व्यवस्था आणली वो हमारे परिवार में एक डिसिप्लिन लाई बाइबल मध्ये हम पाहतो बाइबल में हम देखते हैं सूत्र 127 मध्ये पाहतो भजन संहिता 127 में हम देखते परमेश्वर घर बांधत नहीं परमेश्वर अगर घर बांधते नहीं तो बांधने के श्रम व्यर्थ है तो बांधने वाले के श्रम व्यर्थ देव कुटुंबाची बांधणी करतो परमेश्वर परिवार को बांधते देव मंडळीची बांधणी करतो परमेश्वर कलीसिया को बांधते हैं सर्व दिवस करतो सब परमेश्वर ही करते पवित्र आत्मा नुसार देव काम करतो पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर कार्य करतो पवित्र आत्मेसो त्यांनी आमच्या घरामध्ये एक शिस्त व्यवस्था आणली पवित्र आत्मा द्वारा उन्होंने हमारे घर में डिसिप्लिन लाई आमच्या घराची त्यांनी बांधणी केली हमारे घर को बांधा चांगलं कुटुंब त्यांनी तयार केलं अच्छा परिवार बनाया चांगली पत्नी अच्छी पत्नी चांगला पती अच्छा पती चांगले मुले अच्छे बच्चे चांगले वातावरण अच्छा वातावरण चांगला समय चांगला वेळ अच्छा समय अच्छा वक्त चांगले शिक्षण चांगला उद्योग अच्छा ज्ञान अच्छा उद्योग चांगला गोष्टी अच्छी चीजें देवाने आमच्या कुटुंबात आणल्या हे परमेश्वर हमारे घर में लाई पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनानुसार परमेश्वर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शनानुसार त्यांनी आम्हाला तयार केलं पर उन्होंने हमें तैयार किया चांगले कुटुंब देव तैयार करतो अच्छा सा परिवार परमेश्वर बनाते कुटुंबामध्ये एक शिस्त व्यवस्था आणतो परिवार में वो डिसिप्लिन लाते हैं कुटुंबात तो शांती आणतो परिवार में शांती लाते कुटुंबाला तो आनंदित करतो परिवार को आनंदित करतो कुटुंबात तो आशीष आणतो वो परिवार में आशीष लाते कुटुंबात बरकत आणतो वो बरकत लाते हैं कुटुंबामध्ये एक चांगलं वातावरण तयार करतो एक अच्छा सा माहौल बनाते हैं कारण तो कुटुंबामध्ये राहतो क्योंकि वो परिवार में रहते हैं तो कुटुंब सांभाळतो वो परिवार सांभाळतो तो कुटुंबाला सुरक्षित ठेवतो वो परिवार को सुरक्षित रखते तूफान वादळ चाहे तूफान हो या कोई भी व्याधि हो कोई भी तकलीफ आए तो आप लोग कुटुंबाला सुरक्षित ठेवतो वो परिवार को सुरक्षित रखते हैं तो कुटुंबाला वे मार्गदर्शन करतो वो परिवार को हमेशा मार्गदर्शन देते धैर्य देते हिम्मत देतो धीरज देते हिम्मत देते हैं वे मार्गदर्शन करतो वो समय समय मार्गदर्शन देते हैं वो कुटुंबाला तो सावधान ठेवतो और परिवार को वो सावधान करते हैं वो कुटुंबाची तो काळजी घेतो परिवार की देखभाल करते हैं देवाचा आत्म्याचं काम चालू आहे परमेश्वर की आत्मा का कार्य चल रहा है तुम्हारा मदद की गरज है हमें और आपको मदद की जरूरत है हमारा सहायता की गरज है सहायता की जरूरत है देव मन तो मांगा मुझे तुम्हारे दिले जाए परमेश्वर कहते हैं मांगो मतलब तुम्हें दिया जाए पश्चाताप करा
तो मन फिराव करो, क्षमा मांगा, क्षमा मांगो, दारण साधून घ्या, उद्धार प्राप्त कर लो, पवित्र आत्मा तुमच्या मध्ये काम करेल, पवित्र आत्मा तुम्हें कार्य करेगा, तुमच्या आमच्या मध्ये वस्ती करेन, हम सब में वो मौजूद रहेगा, हमारा चांगला जीवन आमच्या मध्ये तयार करेन, हमें हमारा अच्छा सा एक जीवन बनाए, हमारा चांगला व्यक्तिमत्व आमच्या मध्ये तयार करेन, एक अच्छा सा व्यक्तित्व हमारा बनाएगा, आमचं चांगलं कुटुंब तयार करेन, वो हमारा परिवार बनाएगा, उद्योगामध्ये तो आमची बढती करेन, उद्योग में हमारी बढ़ोतरी करेगा, शिक्षणामध्ये तो आमची बढती करेन, शिक्षा लेते हुए बढ़ोतरी करेगा, सर्व क्षेत्रात तो हमारा मदद करेन, सभी क्षेत्र में हमारी मदद, सर्व क्षेत्रात तो हमारा मार्गदर्शन करेन, सभी क्षेत्र में मार्गदर्शन करेगा, सर्व ठिकाणी तो हमारा सहाय करेन, सभी स्थान पर वो हमें मार्गदर्शन, सर्व तो हमारा आशीर्वाद करेन, सभी चीजों में हमें आशीषित करेगा, सर्व तो हमारा विजय देतो, सभी चीजों में परमेश्वर विजय देतो, देवाचा आत्मा काम करता है, आज परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है, तो हमें फजित हो देत नहीं, वो हमें लज्जित फजित नहीं होने देते, नेहमी हमारा विजय देतो, वो हमेशा हमें विजय देते हैं, उन देवाचा मैं धन्यवाद करतो, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज हम 30 वर्ष देवाचा काम करता हूं, आज हम पिछले 30 सालों से परमेश्वर का देवाचा आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता, देव बोलतो, परमेश्वर बोलते हैं, यीशु किस मनाला है, प्रभु यीशु ने कहा, देवाचा आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा तो तुम्हारा सांगेल, वो तुम्हें बताएगा, तो तुम्हारा शिकवेल, वो तुम्हें सिखाएगा, तो तुम्हारा मार्गदर्शन करेल, वो तुम्हें मार्गदर्शन देगा, प्रगटी 2:7 प्रमाणे, प्रकाशित वाक्य 2:7 में, आत्मा मंडळास काय म्हणतो ज्याला कान आहे तो ऐको, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसे कान है वो सुने, देवाचा आत्मा आम्हाला शी बोलतो, परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलता है, आम्हाला तयार करतो, हमें तयार करता है, सर्व गोष्टी शिकवतो, सभी चीजें सिखाता है, 30 वर्ष आम्ही देवाचं काम करतो, आज पिछले 30 सालों से हम परमेश्वर का कार्य करतो, पवित्र आत्मा मंडळाला चालवता है, 30 वर्षों से पवित्र आत्मा कलीसिया को चला रहा है, 30 वर्ष तो हमारा मार्गदर्शन करता है, 30 सालों से वो हमें मार्गदर्शन दे रहा है, प्रश्न समस्या सोड़ता है, लोगों के प्रश्न समस्याएं छुड़ा रहा है, लोगों को तैयार करता है, लोगों को तैयार कर रहा है, सर्व गुट्टी सभी चीजों में तो तैयार करता है, तैयार कर रहा है, ये फार महत्व सभाग, ये एक अहम बात है, म्हणून आम्हाला फार जीवना मध्य हा गोष्टी की फार आवश्यकता है, इसलिए ये सब चीजों की पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में देवाकडे मागितले पाहिजे, हमें परमेश्वर से मांगना है, तो हमारा मार्गदर्शन करे, आप हमें मार्गदर्शन दें, और सर्व गोष्टी सुरक्षित ठेवा, और सभी चीजों में सुरक्षित रखें, मन देवाचा मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, देवाचा मैं महिमा करता हूं, परमेश्वर की महिमा करता हूं, हमें देवाचा गौरव करता हूं, हम परमेश्वर का गौरव करता हूं, आज मैं देवाकडे प्रार्थना करता हूं, आज हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, मैं दानासाठी प्रार्थना करता हूं, हम वरदानों के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मासाठी प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, देव ने आम्हाला अभिवचन दिले, परमेश्वर ने हमें अभिवचन दिया है, सोशल मीडिया पर तू प्रार्थना कर, सोशल मीडिया पर तुम प्रार्थना कर, चाल करुणा की है, चाल करुणा की है, वाट तारना की है, राह उद्धार की है, देव आम्हाला तारणाकडे घेऊन चालला है, परमेश्वर हमें उद्धार क्यों ले जा रहे हैं, समय है, आज वक्त है, समय है, हमें तारण साधन घेतलं पाहिजे, हम उद्धार प्राप्त कर ले, पवित्र आत्मा हम मागितलं पाहिजे, पवित्र आत्मा हम मांग ले, तो आमच्यामध्ये सहाय आहे, वो हमें हमेशा रहेगा, तो हमारा मदद करन, वो हमारी मदद तो शोर पर हमारा मदद करन, वो अंत तक हमारी मदद तो शोर पर हमारा छोड़ना नहीं, वो अंत तक हमें नहीं छोड़ेगा, शोर पर तो हम चिकाए जगीन, वो अंत तक हमारी देखभाल करेगा, तो देवसा में धन्यवाद करता हूँ, उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, देवसा महिमा करता हूँ, और परमेश्वर की महिमा, चला अपन सर्व देवाकडे जाऊया, चलिए हम परमेश्वर की ओर जाए, देवाच्या उपस्थिति में तुम्हें राहत आहत, परमेश्वर की मौजूदगी में हम रहते हैं, आज सब मी घराघरात उपस्थित आहत, आज हम सब घर घर में हैं, आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत, हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, मागील आठवड्यात प्रार्थना केली, पिछले सप्ताह हमने प्रार्थना की, अनेक गोष्टींची प्रार्थना केली, अनेक चीजों के लिए प्रार्थना की, अनेक लोकांना देवाने अनुभव दिला, अनेक लोगों को परमेश्वर ने अनुभव दिला, विशेष करून कोरोना व्याधीतून लोकांना देवाने मुक्त केलं, विशेष तौर पर कोरोना बीमारी से परमेश्वर ने लोकांना जीवन दिलं, लोकांना आयुष्य दिलं, लोगों को नया जीवन दिया, नई जिंदगी दी, कई लोकांना तारणाचा अनुभव आला, कई लोगों को कोरोना का अनुभव आया, पवित्र आत्मा का अनुभव आला, पवित्र आत्मा का अनुभव आया, इतने के लिए प्रार्थना है, यहाँ से की हुई प्रार्थना है, तुमच्या घरात देव काम करेन, आपके घर में परमेश्वर काम करेन, घरात में बसलेला, जिस घर में आप बैठे विश्वासाने बसा, विश्वास से बैठे, मी जे सांगतो ते ऐका, जो मैं कहता वो सुने, त्याप्रमाणे करा, उसके अनुसार आप करें, देव तुमच्या घरात काम करेन, परमेश्वर तुम्हारे घर में कार्य करे, आज तारण करेन, आज आपका उद्धार, आज पवित्र आत्मा तुम्हाला तो भरेल, आज पवित्र आत्मा से आपको भर देंगे, विश्वास ठेवा, विश्वास रखे, देवावर परमेश्वर, देवाच्या वचनावर विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास, देव काम करता है, परमेश्वर कार्य कर, चला अपन देवाकडे जाऊया, चले हम परमेश्वर की ओर जाऊ, सर्वजण देवाकडे जाऊया, सभी लोग परमेश्वर की ओर जाऊ, प्रथम मी तारणासाठी प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले हम उद्धार के लिए प्रार्थना, मी प्रार्थना करते माझ्या मागे प्रार्थना म्हणा, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं आप मेरी पीछे प्रार्थना करें, देवाकडे घेऊन जाणारी प्रार्थना है, ये परमेश्वर की पास जाने वाली तारणाची प्रार्थना है, ये उद्धार की प्रार्थना है, साधी प्रार्थना है, एक मामूली सी प्रार्थना है, प्रार्थना में युद्ध है, क्रांति है, लेकिन इस प्रार्थना में युद्ध है, क्रांति है, प्रार्थना में करतो तो हमारा अड़थला है, तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हमें रुकावटें, हमारा विरोध होता है, हमें विरोध होता है, शैतान हमारा विरोध करता है, शैतान हमें रोकता है, ये प्रार्थना हमारा देवाकडे घेऊन जाते है, ये प्रार्थना हमें परमेश्वर के पास ले जाती है, प्रार्थना हमारा
हमसा उद्धार करते, ये प्रार्थना हमारा उद्धार करती है। देव हमसे कृपा दया करतो, परमेश्वर हम पे दया कृपा सला अपन ते देवा कडे जाऊया। चले हम परमेश्वर की ओर जाएं। मैं प्रार्थना करतो, मैं प्रार्थना करतो, माझ्या मागे प्रार्थना करा, मेरे पीछे प्रार्थना करे। हे स्वर्गीय प्रभु, हे स्वर्ग के प्रभु, मैं पापी आहे, मैं पापी हूँ, माझ्या पापांची क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा करे, मला तुझे लेकरू बनो, मुझे आपकी संतान बना, मला तुझे पुत्र कन्या बनो, मुझे आपकी पुत्र कन्या बना, माझा उद्धार कर, मेरा उद्धार करें, मला जीवन दे, मुझे नया जीवन दे। हे स्वर्गीय प्रभु, हे स्वर्ग के प्रभु, मैं पापी आहे, मैं पापी हूँ, माझ्या पापांची क्षमा कर, मेरे पापों की क्षमा करे, माझा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर, मला तुझे पुत्र और कन्या बनो, मुझे आपका पुत्र और कन्या बनाए, तुझे गौरव दे, आपका गौरव हो। विधान सी प्रार्थना, ये छोटी सी प्रार्थना, देव हमसे तारण करतो, परमेश्वर हमारा उद्धार करते हैं, कर अंत करत विश्वास है, क्योंकि हमारे मन में विश्वास है, और मुखा ने कबूल ये, और जुबान से कबूल, रोम धानो प्रमाणे, रोमियो 10:9 में जैसे अंत करत विश्वास है, मन में अगर विश्वास, यीशु के देव से पुत्र आए, प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र है, मुखा पापा ची कबूल आए, जबान पर पापों की कबूली है, देव हमसे तारण करतो, परमेश्वर हमारा उद्धार करे, प्रार्थना के लिए प्रार्थना की जाए, देव तुमसे तारण करे, परमेश्वर आपका उद्धार करे। आज हमें प्रणय कर प्रार्थना करूया, आज फिर एक बार हम प्रार्थना प्रार्थना करूया, सभी के लिए हम प्रार्थना करें, तारणा से साठी प्रार्थना करूया, उद्धार के लिए प्रार्थना, तारणा संबंधित देवाला विनंती करता हो, उद्धार के बारे में परमेश्वर पवित्र आत्मा से मैं देवा प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना, चलो अपन देवा खड़े जाऊया, चलिए हम परमेश्वर के पास जाए, देवदस्य में जाऊया, उस परमेश्वर क्रूस पर जाए, विश्रांति से ठिकान है, वो विश्रांति का स्थान है, क्षमा का ठिकान है, क्षमा का स्थान है, तारण का ठिकान है, उद्धार का स्थान है, चला अपन देवा कर जाओ, चले हम परमेश्वर की विश्वास ने जाओ या विश्वास से नम्र लीनते ने जाओ या नम्र और लीन होकर जाओ, दुआ से धावा करो या परमेश्वर को दुहाई दे, चला मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वांसाठी, चले मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्तुति पात्र सन्मानस्योग्य आमच्या प्रेमळ कणादापा, स्तुति की योग्य सन्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, मान सम्मान गौरव देतो, फिर एक बार धन्यवाद, आपका मान सम्मान हम दया बदल चक्रपेवल जो प्रीति वाला धन्यवाद करते, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रीति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो महान असा देव, आप महान ऐसे परमेश्वर, अद्भुत असा देव, आप अद्भुत परमेश्वर, गुणगान करता कौतुक करता परमेश्वर, आपका गुणगान करते हैं, आज समय सर्व लोग उपस्थित है परमेश्वर, परमेश्वर आज आपके सामने सब लोग मौजूद है, तो मतलब चाल करुणा चाहिए, आपने कहा कि ये चाल करुणा की वार तारना चाहिए और राह उद्धार की, आता तरी तुम देवाकड़े लोग करने वड़ाओ, आज कई सारे लोग आपकी ओर आए, आपकी इच्छा है परमेश्वर, आपकी इच्छा है, योजना परमेश्वर, आपकी योजना, ये संकल्प है परमेश्वर, आपका संकल्प है, तुझाकडे लोकांनी यावं परमेश्वर, आपकी ओर पर आपकी ओर लोग आए, तू लोकांना बोलत आहे परमेश्वर, आप लोगों को बुला रहे, ते 11:28 प्रमाणे परमेश्वर, ती 11:28 आहो कष्टी भारा कंजन तुम्ही सर्व मज कडे या, हे बोध से दबे लोगो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हाला क्षमा करतो, मैं तुम्हारी क्षमा करतो, मैं तुम्हाला शांती देतो, मैं तुम्हें शांती, मैं तुम्हाला आरोग्य देतो, मैं तुम्हें चंगाई देतो, मैं तुम्हाला जीवन देतो, मैं तुम्हें जीवन देतो, मैं तुमचं उद्धार करतो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम्हारा पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा, आज परमेश्वर जो लोग तुस्कला ले परमेश्वर, इसलिए आज जो लोग परमेश्वर आपके पास आए हैं, आज घर घर लोग उपस्थित है परमेश्वर, आज जो लोग घर घर में मौजूद है, विश्वास ने तेने प्रार्थना के लिए परमेश्वर, इस विश्वास से वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रस्ताव के लिए परमेश्वर, जो मन फिराव कर रहे हैं, यीशु तुझा नाम अत्यंत पापति क्षमा कर परमेश्वर, यीशु आपके नाम में आप उनके पापों की क्षमा कर, प्रभु आज अनुकूल समय है परमेश्वर, परमेश्वर आज ये अनुकूल समय है, आज तारना का दिवस है, आज उद्धार का दिवस, यीशु तुझा नाम अत्यंत से उद्धार कर परमेश्वर, यीशु आपके नाम में आप उनका उद्धार करे, त्यांना क्षमा कर परमेश्वर, आप उनकी क्षमा करे, आज त्यांचे तू तारण कर परमेश्वर, आज उनका आप उद्धार करे, आज त्यांचे तारण तू घोषित कर परमेश्वर, आज आप उनका उद्धार घोषित करे, आज अंतकरण तुझे शुद्ध कर परमेश्वर, उनका अंतकरण आप शुद्ध कर, यीशु तुझ्या नामात त्यांचे नव जीवन त्यांना दे परमेश्वर, यीशु आपके नाम में आपने नया जीवन दे, तू म्हणा नव्याने जन्मल्याशिवाय कोणी स्वर्गराज्यात जात नाही परमेश्वर, आपने कहा है कि नया जीवन, नया जन्म लिए बगैर कोई स्वर्ग के राज में नहीं जा पाता, आज त्यांचा नवा जन्म तू कर परमेश्वर, आज उनका आप नया जन्म करे, आज त्यांचा उद्धार कर परमेश्वर, आज आप उनका उद्धार करे, आज त्यांच्याकडून तुझं गौरव दे परमेश्वर, आज आप उनके द्वारा आपका गौरव हो, आज त्यांच्या पापातून त्यांना सुटका दे परमेश्वर, आज पापों से उनको आप छुड़ाए, शैतानची बंधन तोडून टाक परमेश्वर, शैतान के बंधन को आप तोड़, सर्व आजार तोडून टाक परमेश्वर, सभी बीमारियों को आप तोड़ दे, सर्व मृत्यूपासून त्यांची सुटका कर परमेश्वर, मौत में जो उलझे हुए आप उनके छुड़ाए, ते त्यांना शांती दे परमेश्वर, आप उनमें शांती दे, त्यांना आरोग्य दे परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे, त्यांना जीवन दे परमेश्वर, जीवन दे, विशेष करून आम्ही तुला प्रार्थना करतो, विशेष तौर पर आपको प्रार्थना, तुम्हाला मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल, आपने कहा मांगो मतलब तुम्हें दिया जाएगा, तुम्ही मागा
आप मांगो जो योग्य थे तुम्हें मांगा जो योग्य है वही विशेष करून तुम्हाला पवित्र आत्मा देईन परमिशन विशेष तौर पर आप पवित्र आत्मा से भर दे मैं तुम्हाला अनाथ सोडणार नाही मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुमसे कवार घेन मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा मैं तुमसे सदैव रहें मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा यस टाइम आज तुझको मांगते हैं परमिशन ऐसा आपने कहा इसलिए हम आपकी ओर मांगते हैं हमें दुर्बल आओ परमिशन हम दुर्बल हैं हमें अशक्त आओ परमिशन हम दुर्बल हैं भयभीत आओ परमिशन हम डरे हुए आज हमें तुझे बुला लो परमिशन आज हम आपके पास आए हे यीशु तुझा पवित्र आत्मा लोकांना भर परमिशन हे यीशु आपके पवित्र आत्मा से आप लोगों को भर दे हे यीशु तुझे नाम अत्यंत तू स्पर्श कर परमिशन हे यीशु आपके नाम में आप लोगों को स्पर्श करे तू त्यांना पवित्र आत्मा ने भर परमिशन आपने पवित्र आत्मा से भर दे तू स्पर्श कर परमिशन आपने छू ले तू त्यांना सामर्थ्य दे परमिशन आप उन्हें अपना सामर्थ्य से त्यांना धैर्य दे परमिशन अपने धीरे से त्यांना हिम्मत दे परमिशन उन्हें आपकी हिम्मत दे त्यांना ताना संबंधी खाती संपत्ति दे परमिशन उन्हें उद्धार की ये संपत्ति आप प्राप्त कर दे आज त्यांना पवित्र आत्मा से अनुभव दे परमिशन आज उन्हें पवित्र आत्मा का अनुभव आप दे तुझा गौरव दे परमिशन आपका गौरव हो परमेश्वर किती चांगल्याचा अनुभव दे परमेश्वर परमेश्वर कितने अच्छे इसका अनुभव आपने होने दे सर्व घरातील लोकांना तू स्पर्श कर सभी घर में जो लोग मौजूद है उन्हें आप छू ले घर घर तू त्यांना स्पर्श कर घर घर में आप उन्हें छू ले घर घर तू त्यांचे जा परमेश्वर आप उनके घर में घर घर में मौजूद हो घर घर तू सुव्यवस्थ शांति आन परमेश्वर आप घर घर में व्यवस्था और शांति लाए चांगले दिवस चांगला वेळ चांगला समय आन परमेश्वर अच्छा वक्त अच्छा दिन अच्छा समय आप लाए सुनो ते करंट आक मिशन पुरानी चीजें निकाल दे नया गोष्टी तू आन परमेश्वर नई चीजें आप लाए तुझे गौरव दे आपका गौरव हो तू ये करतो समय हम धन्यवाद करते आप ये करते हैं इसलिए हम आपका धन्यवाद महिमा हमें करते आपकी महिमा करते तुझे गौरव हमें करते आपका गौरव करते हैं अकड़ हमें तुझे चरण तो परमेश्वर फिर एक बार आपके चरण में देश से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं राज्य से प्रार्थना करता हूं इस राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तुझे ये देश वाला गौरव दे परमेश्वर परमेश्वर इस देश को आपकी जरूरत है जगला परमेश्वर तुझे मदद से गौरव दे परमेश्वर इस संसार को आपकी मदद की जरूरत है सरकार से अलग अलग माध्यम तो प्रयत्न चालू है परमेश्वर सरकार अलग अलग माध्यम से कोशिश कर मदद होते परमेश्वर अलग अलग माध्यम से कोशिश कर रही है सर्व अपूर्ण है परमेश्वर फिर भी सब अधूरा है यह सहेश पूर्ण हो सकता है आपकी सहायता के बगैर पूरा नहीं हो सकता प्रभु यीशु सरकार का प्रयत्न तो यस दे परमेश्वर प्रभु यीशु सरकार की कोशिशों को आप सफलता दे डॉक्टर शोपचर में तो यस दे परमेश्वर डॉक्टरों की कोशिशों को आप सफलता दे क्या गोष्टी की गरज है परमेश्वर किस चीजों की जरूरत है क्या गोष्टी की आवश्यकता है किन चीजों की आवश्यकता प्रभु यीशु तुझे नाम पूर्ण हो दे परमेश्वर प्रभु यीशु आपके नाम में आपको पूरी कर दे जो गोष्टी की उन्हें परमेश्वर जो चीज चीज की कमतरता है प्रभु तुझा नाम उपलब्ध कर परमेश्वर यीशु आपके नाम में आप मौजूद करें पूर्ण कर परमेश्वर आप उपलब्ध करें अनेक लोग दुखी कष्टी है परमेश्वर अनेक लोग दुख में तकलीफ निराश उदास है परमेश्वर वो निराश है उदास है तुझे मदद से गरज है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है तेरा मदद कर आप उनकी मदद करें कृपा करो आप उन पर कृपा करें प्रभु यीशु नाम में आपको मनता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन आमीन प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड